इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विकेट लेने वाले गेंदबाज अब तक, और उम्मीद यही है कि देखिए किस तरीके से चैलेंजेस फेस करते हैं खिलाड़ी। कोई इंडिया खेलने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, और क्वारंटीन में रहकर अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह चैलेंजेस जिंदगी में हर कदम में होते हैं, और इन चैलेंजेस से उभरने वाला ही स्टार बनता है। उसी तरीके से हम सब पूरे हिंदुस्तानी एक साथ स्टार बनेंगे कोरोना को हराकर। फिलहाल एक और युवा टैलेंट जिस पर हर किसी की नजर है इस वक्त, वो भी हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में जुड़ा है, जिसका नाम है शुभमन गिल। लेकिन शुभमन गिल जिस तरीके से, मैं बता दूं, इस टूर में जा रहे हैं फिलहाल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने से पहले, क्वारंटीन होने से पहले हमारे साथ बातचीत की थी उन्होंने, तो इस थोड़ी देर पहले जो बातचीत हुई उसका पूरा हमने रिकॉर्ड किया, और आपको बता दें कि क्या शुभमन गिल इसमें सोच रहे हैं किस तरीके से। शुभमन, पहला सवाल यही कि इस समय देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, और आप खुद एक बहुत बड़े फाइटर हैं। पहले आपने हिंदुस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बनवाया, फिर आपकी बल्लेबाजी के दम पर हमने ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा लहराया। सबसे पहले आप इस मुश्किल दौर में देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, ये लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही टफ टाइम है, तो ये इस टाइम पे ये इम्पोर्टेंट है कि हम सब घर रहें और अपनी और अपनी फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि बिन बेवजह या फिर बेफालतू हम ज़्यादा बाहर ना जाएं, और अपने घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रखें अपने, और उनकी देखभाल करने की कोशिश करें। और आप जो भी लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं, अगर आप किसी ऐसे लोग को जानते हो तो उनको अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इनक्रेज करें, और अगर आप जहाँ भी किसी की भी हेल्प कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंडिया के लिए काफ़ी टफ टाइम्स है, और आई थिंक एज अ कंट्री हमको एक साथ होकर, एक साथ रहकर ही हम इस सिचुएशन से गुजर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शुभमन, पिछले एक साल में आप खुद कई बार क्वारंटीन हो चुके हैं, कई महीने तक बायो बबल में रह चुके हैं, इंग्लैंड रवाना होने से पहले भी 14 दिन क्वारंटीन में, तो ये कितना मुश्किल होता है आपके लिए? जी, क्वारंटीन पीरियड काफ़ी हार्ड रहता है, क्योंकि आप 14 दिन एक ही जब रूम में रहते हो तो कुछ ज़्यादा करने के लिए होता नहीं है, बट फिर भी हमको हमारे वर्कआउट्स दिए जाते हैं रूम में करने के लिए, हम वो करते रहते हैं और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, आईपैड में थोड़ी बहुत मूवीज़ देख लेते हैं या फिर गेम्स खेल लेते हैं फ़ोन पे या आईपैड पे, और वर्कआउट्स करते हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं, बट काफ़ी हार्ड रहता है क्वारंटीन। बिल्कुल, अपने आप को ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं, हर स्टार हो, डॉक्टर हो, कोई भी किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ सफल इंसान हो, वो यही कह रहा है कि आप अपने आप को बिजी रखने की जरूर कोशिश करें। शुभमन, ऑस्ट्रेलिया में आपका एक जबरदस्त ड्रीम डेब्यू हुआ, आपने इंडिया को वहाँ चैंपियन बनाया, इंग्लैंड में इंडिया को टेस्ट का वर्ल्ड कप जिताने के लिए क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, हमारी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और पिछले कुछ सालों से हम अवे टूर्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, और हमें लगता है कि वी कांट बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस फाइनल। बिल्कुल, और शुभमन आप ओपनर हैं, और इंग्लैंड में ओपनिंग करना बहुत मुश्किल माना जाता है, तो किन बातों पर, किन पहलुओं पर सबसे ज़्यादा काम करना होगा? आई थिंक एज एन ओपनर सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, हर जगह आपको सेशंस खेलना आना चाहिए, और सेशंस खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली इंग्लैंड में देखा गया कि जब भी वहाँ पे थोड़े क्लाउडी फॉरकास्ट रहता है तो बॉल अक्सर स्विंग ज़्यादा करता है, और जब वहाँ पे थोड़ी धूप आ जाती है तो विकेट बैटिंग के लिए अच्छा हो जाता है, तो उस कंडीशंस को असेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज एन ओपनर। बिल्कुल, और शुभमन आईपीएल में आपने तो पैट कमिंस, बोल्ट, कार्ल जेमिसन जैसे तेज गेंदबाजों को फेस किया, क्या आपको लगता है कि इसका फ़ायदा आपको इंग्लैंड में मिल सकता है? हाँ जी, उस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जब आप नेट में अच्छे बॉलर खेलते हो और उनको लगातार खेलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता है, जैसे हमारी केकेआर की टीम में काफ़ी अच्छे बॉलर्स थे फर्गसन और कमिंस, तो डेफिनेटली उस चीज़ का कॉन्फिडेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और आपको जब आप मैच में खेलने जाते हो तो आपको थोड़ा पता रहता है कि वो क्या डाल सकते हैं, वो क्या डालने को देखेंगे, तो और चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को आप पर बहुत भरोसा है, आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं, आपने भी विराट के साथ बहुत समय बिताया है, उनसे क्या सीखा है इस स्टार बल्लेबाज से? विराट भाई के साथ जब भी बात होती है तो वो हमको मोटिवेट करने को ही देखते हैं, और वो कहते हैं एज ए यंगस्टर कि हम फियरलेस होकर खेल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से खेल सकते हैं जैसे हम खेलना चाहते हैं, और ज़्यादा वो ज़्यादा माइंडसेट के बारे में बात करता है, अगर मुझे जब भी लग रहा होता है कि मैं अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं उनके साथ जाकर बात करता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा हो, वो हमेशा मुझे मोटिवेट ही करते हैं, और
अपने एक्सपीरियंस है जो जब वो खुद यंगस्टर थे वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। शुमन एक बार फिर माइंडसेट की यहाँ पर बात। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।